नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto Edge 50 Neo 5G versus Infinix GT20 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 50 Neo में 6.3 इंच जबकि GT20 Pro 5G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 50 Neo में 2.92 इंच जबकि GT20 Pro 5G में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 50 Neo में 0.33 इंच जबकि GT20 Pro 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो 50 Neo में 179 ग्राम्स जबकि GT20 Pro 5G में 194 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि 50 Neo से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 50 Neo में PoLED जबकि GT20 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 50 Neo में 6.55 इंचेस जबकि GT20 Pro 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 50 Neo में 1080x2400 और GT20 Pro 5G में 1080x2436 PX FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 50 Neo में 90.1% जबकि GT20 Pro 5G में 88.24% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 50 Neo में 402 पिक्सेल प्रति इंच जबकि GT20 Pro 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 50 Neo में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। और GT20 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 50 Neo में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और GT20 Pro 5G की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 50 Neo में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और GT20 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 50 Neo में माली G615MC2 जबकि GT20 Pro 5G में माली G610MC6 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 50 Neo में MediaTek Dimensity 7300 और GT20 Pro 5G में MediaTek Dimensity 8200 अल्टीमेट मिलता है। बात करें रैम की तो 50 Neo में 8GB की रैम मिलती है जबकि GT20 Pro 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी 50 Neo में 4310 mAh जबकि GT20 Pro 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 50 Neo में 4 कलर्स जबकि GT20 Pro 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
50 नियो में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें GT20 Pro 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 28,890 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Moto Edge 50 Neo 5G में 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Infinix GT20 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में GT20 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 Plus 5G है, दूसरा Realme 12 Pro 5G है, तीसरा Vivo Y200 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Motorola H50 Fusion 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।